दिया। कार में सवार होकर आए 13 बदमाशों को अकेले हथियारबंद कांस्टेबल सीताराम ने आगे बढ़ने नहीं दिया। देश की सबसे बड़ी बैंक डकैती की कोशिश नाकाम। 13 बदमाशों के दुस्साहस पर भारी पड़ा साहस। पुलिस कांस्टेबल सीताराम ने दिखाई हिम्मत। बदमाशों की बड़ी तादाद के बाद भी बनाए रखा हौसला। कांस्टेबल की दिलेरी के आगे भाग खड़े हुए बदमाश। दरअसल राजधानी के अशोक नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच को निशाना बनाया और रात करीब 2:30 बजे कार सवार ये 13 बदमाश डकैती के मंसूबों से एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच पहुंचे और बैंक के सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर बैंक परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों की आवाज से अंदर तैनात जयपुर पुलिस का कांस्टेबल सीताराम सावधान हो गया। गेट पर आते ही वो सारा माजरा समझ गया कि अकेले इतने लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसे में सीताराम ने सर्विस बंदूक से हवाई फायर कर दिया। उधर हवाई फायर से घबराए बदमाशों ने भागने में देर नहीं लगाई। ये करीब 2:30 बजे की समथिंग की बात है। ये गेट है, इस गेट से ऊपर से वो कूदे, लगभग 10-12 लोग थे और यहाँ गार्ड था, प्राइवेट गार्ड लगता है, तो उनको बंधक बना लिया, हाथ वाथ बांध दिए। यहाँ से वो मेन गेट है और है, उस गेट तक पहुँचे तो हमें अंदर आवाज़ हुआ भाई कोई बाहर है, कुछ हो रहा है, हरकत हो रही है। तो हमने खिड़की है, छोटी खिड़की है, उससे बाहर की तरफ थोड़ा देखा तो मैंने जोर से उनको आवाज़ लगाई कौन है, तो इतनी आवाज़ सुनते ही वो थोड़े पीछे की तरफ हो गए। जैसे ही पीछे की तरफ हो गए तो मैंने पूरी खिड़की खोल के देखा, फिर मैंने हवाई फायर किया तो हवाई फायर करते ही वो इस गेट से कूद के चले गए। उधर कांस्टेबल की सूचना पर कमिश्नर सहित अन्य पुलिस अधिकारी और FSL टीम मौके पर पहुंची और बैंक अधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत कराया, साथ ही ब्रांच आने के लिए निर्देशित किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के वक्त बैंक ब्रांच में करीब 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कैश था। ये करेंसी चेस्ट है एक्सिस बैंक का, यहाँ पे जितनी भी करेंसी जो बैंक में दी जाती है और वहाँ से जो डिपॉजिट होती है वो यहाँ पे आती है। एट अ टाइम यहाँ पे 100 करोड़ के रुपए रहते हैं। अबाउट 10-11 लोग आए थे, उन्होंने इस जो आपका जो इनका जो गेट है उस पर चढ़ के इन्होंने जो इनका एक लोकल सिक्योरिटी गार्ड है उसको ओवर पार किया था और बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की थी। उधर हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस लाइन से यहाँ पे करेंसी चेस्ट में दिए हुए हैं, उन्होंने जब देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने फायर किया, उससे डर के ये लोग सब लोग यहाँ से भाग गए। डकैती के प्रयास की सारी करतूत CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश